जनपद हरदोई के सुरसा थाना इलाके में 20 अक्टूबर को हुई किशोर की हत्या में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक दराती, हत्या में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा और बोरी भी बरामद किया है। मामले का खुलासा एसपी अनुराग वत्स ने करते हुए बताया कि हत्या की घटना अभियुक्त गढ़ों के द्वारा अपनी भांजी से मृतक के प्रेम प्रसंग की वजह से हुई है। बताया जा रहा है कि जब तक इन दोनों द्वारा मृतक को मना किया गया तो वह नहीं माना, जिसके बाद उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि सुरसा थाना इलाके के सथरी गांव में 20 अक्टूबर को गांव निवासी 16 वर्षीय किशोर रोशन का शव खेत से बरामद हुआ था। इस मामले में मृतक के भाई वीरू ने गांव के ही अहिबरन रामचंद्र विपिन व छोटे के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी के मुताबिक पूरे मामले के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनिल कुमार सीओ सिटी के नेतृत्व में सुरक्षा के प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र तोमर व उनकी टीम के साथ स्वाट व एसओजी व सर्विलांस सेल को भी लगाया गया था। एसपी ने बताया कि इसी बात को लेकर इन दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रची और रोशन को किसी तरह बहला फुसला कर खेत में ले जाकर उसकी हत्या करने के बाद उसके भाई वीरू को बहला फुसला कर पुरानी रंजिश दुश्मनी के कारण गांव के अन्य व्यक्तियों को नामजद मुकदमा कर दिया था। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए 3 को जेल भेजा है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त एक दराती, एक सफेद शर्ट व एक बोरी का टुकड़ा, एक ईंट का टुकड़ा भी बरामद किया गया है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए मोहित यादव की रिपोर्ट। थाने के सुथरी गांव का रहने वाला है, उसकी डेड बॉडी एक खेत में मिली थी। इस घटना का घटनास्थल का निरीक्षण हमारे सभी ऑफिसर्स और फील्ड यूनिट द्वारा किया गया था। इस घटनास्थल निरीक्षण के बाद जो तहरीर मिली थी उसके बाद नामजद मुकदमा इसमें अहिबरन रामचंद विपिन और छोटे के खिलाफ दर्ज किया गया था। इस घटना के नामजदगी होने के बाद पुलिस ने बहुत मेटिकुलसली इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी, सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने का प्रयास कर रही थी। उसमें हमारे सीओ सिटी और हमारे सुरसा ने बहुत मेहनत की, इनकी टीम ने, हमारी एसओजी की टीम ने बहुत मेहनत की और जो नामजदगी की गई थी, जब इन्वेस्टिगेशन बहुत थॉरली की गई, सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ दूसरी बात निकल के आई और जिनको नामजद किया गया था वो इसमें मुलजिम ना पाते हुए इसमें अन्य 3 लोग प्रकाश में आए, जिनका नाम शीतला, माया प्रकाश और राम प्रसाद है। घटना का मोटिव मैं आपको बता दूं कि जो शीतला है उसकी एक भांजी है जिसके साथ में मृतक की बातचीत थी। उस बातचीत को उस दिन रात में उन्होंने देख लिया था, जिसका उन्होंने विरोध किया, उस लड़की को भी कमरे में बंद कर दिया और रोशन के साथ उन्होंने ये घटना की। पुलिस ने जो सीन ऑफ क्राइम पर जो एविडेंसेज मिले और जो शीतला के घर से कुछ एविडेंसेज मिले उनको कनेक्ट किया और उसके बाद क्रॉस इंटरोगेशन बहुत सस्टेन तरीके से की गई, जिसमें ये सारे तथ्य खुल के आए हैं। पुलिस ने इसमें जो आला कत्ल उसको बरामद किया है, एक सफ़ेद शर्ट, एक बोरी और एक ईंट का टुकड़ा बरामद किया है। ये पूरी पुलिस टीम जिसने कि इस घटना को बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे से वर्कआउट किया है, इसके लिए 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा की जाती है। साथ ही इस पूरी विवेचना को हम बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आगे फॉरवर्ड करेंगे और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7।